प्राचार्य के रवैये से नाराज छत्तीसगढ़ स्कूल स्वीपर कल्याण संघ ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ स्कूल स्वीपर कल्याण संघ द्वारा गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्राथमिक शाला रसमड़ा की प्राचार्य व शासकीय मिडिल स्कूल सेक्टर 6 के प्राचार्य के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। स्वीपर कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष ललित कौशिक ने कहा कि स्कूलों में आए नए प्राचार्य स्वीपर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रसमड़ा की पुष्पा निर्मलकर को बगैर जानकारी दिए वहां की प्राचार्य ने उन्हें काम से निकाल दिया। वहीं शासकीय मिडिल स्कूल सेक्टर 6 की उर्मिला देवी को प्राचार्य के द्वारा लगातार काम से निकाले जाने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि प्राचार्य अंशकालीन स्वीपर से पूरे 8 घंटे का कार्य कराना चाहती है, जबकि शासन से आदेशानुसार उन्हें मात्र 2 घंटे कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके दबाव बनाया जा रहा है, जिससे निजात दिलाने की मांग को लेकर संघ के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ स्कूल स्वीपर कल्याण संघ के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे पीड़ितों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। स्कूल में काम करती हूँ और मेरे को निकाल दिए हैं। चौकीदारी भी करती थी, यहाँ देखभाल भी करती थी, पूरा साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना पीना बांटना, बच्चे लोग को खिलाना सब मेरे जिम्मेवारी था। फिर भी मेरे को हटा दें। मैडम बोली है कि रसोई में लग जाओ, अपना काम छोड़ के। मेरे सोमवारी के एक ढंग के उठ बैठ नहीं हो रहा है। कम से कम 70 साल के हो गई है और मेरे नाम पर 90 साल का है। से मेरे से मतलब दुर्व्यवहार करती थी और मेरा जो जो काम है मैं वो सब अपना ईमानदारी से करती हूँ। पानी लाना है, बाहर से पानी लेके आती हूँ शहर में, पूरा साफ सफाई, धोना, रोज धोना, वो उधर दारू वारू सब पी के पड़ा रहता है, फेंक दिया रहता है, थूकना है, यहाँ तक कि कुत्ते लोग पूरा लैटरिन कर दिए रहते हैं अंदर में, रोज उसको भी साफ करती हूँ, धोती हूँ, फिर भी बोलती है तू साफ नहीं करती। क्या चाहती है वो? वो मेरे को हटाना चाहती है, बस हटा दी और हटा दी। सर, हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, अंशकालीन पद पर कार्यरत हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों को अभी जो नया प्रधान पाठक नियुक्त हुए, जो प्रमोशन लेके आए हुए हैं, उनके द्वारा शोषण करके निकाला जा रहा है। अभी हमारे 2 कर्मचारियों को हाल ही में निकाला गया है। वो लोग बोलते हैं कि पूरे 8 घंटा कार्य करो, जबकि हमारा 2 घंटे का कार्य है और उस कार्य को करके हम दूसरा काम में जा सकते हैं। ऐसा हमारे पास आदेश भी है जिला शिक्षा अधिकारी जी का, तो उसी कारण से हम लोग यहाँ आए हुए हैं सर, कि हमारे कर्मचारी को वापस काम में लिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।